आज हमने कार्चर की K2 मल्टीपर्पस वॉशिंग मशीन परचेज करी है। इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको यूज़ करेंगे। तो इसके साथ ये तो अटैचमेंट आती है ये सारी, और ये ऐसे यूज़ होती है मल्टीपर्पस। ये गन है भाई, ये जो प्रेशर मशीन की, चलिए ये इसका पाइप है जो हमारी प्रेशर मशीन को इस गन से कनेक्ट करता है। ये कार को धोने से पहले की वीडियो, देखो कितनी गंदी हो रही है। टायर्स देखो इसके, बॉडी पर भी बहुत मट्टी है। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling. Still hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all. हमने एक कार वॉश कर ली है। अब हम दिखाते हैं कि हाँ, कार वॉश जो मशीन हमने यूज़ करी थी उससे फ़ायदा हुआ भी या नहीं। कार के टायर भी ऐसे चमक गए जैसे हमने इन्हें रगड़ रगड़ के धोया हो। देखो ये हमारी गाड़ी का फर्स्ट टायर है, हम चारों टायर के दिखाएंगे अब इसके अंदर वीडियो। ये फ्रंट का सेकेंड टायर है, देखो ये भी ऐसे शाइन मार रहा है जैसे बिल्कुल नया अभी लगाया हुआ हमने कंपनी। और ये हमारा बैक साइड का टायर है। देखो भाई अंदर से भी कैसे क्लीन हो गई एकदम। ये हमारा बैक साइड का लास्ट टायर है कार का, ये भी देखो शाइन मार रहा है ऐसे जैसे बिल्कुल नया हो अभी लगवाया हमने कार के अंदर। और बैक साइड से हमारे ग्लास भी कितना गंदा हो रहा था ना, वो भी देखो कितना साफ हो गया कार बैक साइड से लेके इंजन तक। देखो कितना क्लीन, जैसे हमने सर्विस सेंटर से कार वॉश कराई है। With the
आपको हमारी वीडियो पसंद आ जाए और आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना।